हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट ENVT। तो स्टूडेंट्स, हमने आगे के वीडियो में चैप्टर नंबर 13 के स्पेलिंग देख लिए थे और हमारे चैप्टर का नाम था सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, यानी कि रक्त का वहन। हमारी बॉडी में रक्त का कैसा वहन होता है, सर्कुलेशन कैसा होता है, उसके बारे में आज हमें चर्चा करनी। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 97 पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो उसमें है थिंक एंड से, हैव यू हर्ड टिक टिक ऑफ वॉच, क्या आपने वॉच यानी कि घड़ी की टिक टिक सुनी है। सेकंड क्वेश्चन है, हैव यू सीन डॉक्टर कीपिंग स्टेथोस्कोप ऑन चेस्ट एंड हियरिंग, कहते हैं कि आपने कभी डॉक्टर को अपनी किसी की छाती पे या अपनी छाती पे स्टेथोस्कोप को रखकर, जो छाती पे स्टेथोस्कोप को रख के रखते हैं और वो सुनते हैं ना कान में, वो कभी आपने सुना है, ट्राई किया है। व्हाट कैन डॉक्टर हियर, डॉक्टर को क्या सुनाई देता होगा, हम जो छाती पे डॉक्टर स्टेथोस्कोप को लगाते हैं और कान में जो आवाज़ आती है वो आपने कभी सुनी है, ऐसा पूछते कि डॉक्टर को उसमें क्या सुनाई देता होगा। हैव यू हार्ड हार्ट बीट्स, क्या आपने कभी बीट्स का मतलब होता है कि दबकारा, कभी कोई दिन आपने अपने हृदय के जो बीट्स हैं, धबकारे हैं, वो आप लोगों ने कभी सुने हैं। एक्टिविटी में है ऑब्जर्व अ पिक्चर, ये पिक्चर को देखना है और ऑब्जर्व करना है, अवलोकन करना है। कीप योर ईयर ऑन द चेस्ट, ये लड़के ने दूसरे लड़के की छाती पे क्या रखा है, अपना सिर, और कान से कुछ सुनाई, कान से वो कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है। ईयर ऑन द चेस्ट ऑफ योर फ्रेंड्स एच शॉन इन पिक्चर, पिक्चर में देखो और ऐसे करो। हियर द साउंड पीसफुली, यानी कि शांति से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ को सुनो। काउंट बीट्स एट साउंड इज हर्ड, कहते हैं कि जो बीट्स दबकारा ना, जे बीट्स दबकारा संभराय छे ए नस अवाज ने तमे काउंट करो, गणो। डिस्कस योर एक्सपीरियंस, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसको डिस्कस करो और यहाँ पे लिखो कि क्या होगा कि किसी की, वो लड़का है, वो दूसरे लड़के की छाती पे अपना सिर रख के वो कान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा है, वो क्या सुनने की कोशिश करता होगा। जो हमारे हृदय के, हृदय से हमारा जो हृदय है वो यहाँ पे टू लंग्स के बीच में आया होता है और वहाँ पे वो अपना कान रख के सुनने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उसे सुनाई दिया होगा, टिक टिक यानी धक धक धक। एवं आपने पण आपणी छाती पर हाथ मूकी अने सांभळवानी अवाज शांतिथी कोशिश करी छे, तो धक धक एवो अवाज आવતો હોય છે, તો એ શું કહેવાય, આપણું હૃદય પમ્પિંગ કરી રહ્યું છે। प्रोजेक्ट, राइट नेम्स ऑफ टू फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट छे कि तमारा बे मित्रों ना नाम लखो। काउंट बीट्स ऑफ हार्ट इन वन मिनिट, और आपको वैसा ही काउंट करना है, धबकारा ने मापवाना छे, लेकिन गणवाना छे। राइट द काउंट ऑफ हार्ट बीट्स, तमारे धबकारा ना नंबर पन लखवाना छे। आस्क फ्रेंड टू रन, अब कहते हैं कि आपका जो फ्रेंड है उसको आप रन करवाओ यानी कि दौड़ाओ। नाउ नोट डाउन द बीट्स, और क्या कहता है कि धबकारा ने नोट करवानी रहेसे। डिटेल्स एंड नेम ऑफ फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड के नेम लिखने हैं। फिर नंबर 1 पे है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन नॉर्मल कंडीशन, सामान्य स्थिति में हृदय ना धबकारा की संख्या कितनी होय छे, એ અહીંયા લખવાની છે। ત્રણે મિત્રોની અહીંયા ત્રણ નામ લખવાના, અને નોર્મલ સ્થિતિમાં હૃદયના ધબકારા કેટલા છે એની સંખ્યા લખવાની। નંબર 2 માં છે નંબર ઓફ હાર્ટ બીટ્સ આફ્ટર ધ રન, જ્યારે તમે દોડાવશો
એના પછીના જે ધબકારાનો અવાજ આવે એને ગણવાના અને પછી અહીંયા લખવાના. તો નંબર વન પે હાર્ટ બીટ્સ ઇન નોર્મલ કન્ડિશન મેં કેસે હોગે તો 70 અપ હોગે 70 72 73 74 યા 72 એસે હી નોર્મલ સ્થિતિ મેં હોતે હૈ. ઓર જબ વો ક્યા કહેતા કે આપકે ફ્રેન્ડ કો દોડાઓ રન કરવાઓ ઓર ઉસકે બાદ ઉસકે જો બીટ્સ હોતે ઉસકો કાઉન્ટ કરના હોતા હૈ તો ક્યા હોગા કે वो हार्ट्स बीट होते हैं वो फास्ट हो जाते हैं. जब हम कई बार ऐसा होगा कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो नॉर्मल ही 70 72 73 ऐसे हार्ट्स बीट की संख्या होती है. पर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पीछे कुत्ता पड़ जाए तो हम भागने लगते हैं या हम भागते हैं तो क्या होता है हमारे जो हृदय हार्ट्स की जो कंडीशन होती है बीट्स करने की वो ज़्यादा हो जाती है. तो यहाँ पे हार्ट बीट कई बार 80 से अब आ जाते हैं. नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन एंड रीड. यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का पिक्चर दिया हुआ है. तो सबसे पहले तो देखो तो यहाँ पे बॉडी का पिक्चर दिया हुआ है हैंड लेग एंड हेड. वो बाहर के ऑर्गेन्स होते पर ये अंदर के ऑर्गेन्स हमें दिखाई दे रहे. ये रेड जैसी लाइंस हमें दिखाई दे रही है हैंड में पैरों में वो है विंग्स यानी कि नसें. फिर ये दो लंग्स है, ये वाला भी लंग्स है और ये वाला भी ये ऐसी ऐसी डिजाइन दिखाई दे रही है वो भी लंग्स है. फिर दो लंग्स के बीच में ये दिखाई दिल जैसा दिखाई दे रहा है वो है हमारा हार्ट यानी कि हृदय. और यहाँ पे है स्टोमच यानी कि पेट. और हमें दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी ये लाइंस दिखाई दे रही है वो है नदियां नसे वेन. तो ये हमें दिखाई दे रहा है ये हार्ट है वो क्या है मुट्ठी से थोड़ा ज्यादा बड़ा है. और यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टरी. आर्टरी का मतलब होता है कि धमनी. और वेन यानी कि शिरा. आर्टरी का मतलब होता है धमनी और वेन का मतलब होता है शिरा. अब हम रीड करते हैं सर्कुलेशन अवर ब्लड सर्कुलेट्स इन बॉडी. हमारी जो बॉडी है वो क्या कर रही है ब्लड सर्कुलेशन इन बॉडी. हमारी बॉडी में ब्लड का वहन हो रहा है ब्लडनू परिभ्रमण थई रह्यु छे. वी कैन अंडरस्टैंड द सेम लुकिंग एट द पिक्चर. हमें वो पिक्चर में दिखाई दे रहा है क्योंकि जो नसें दिखाई दे रही है वो क्या है रेड कलर की है. तो हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में क्या हो रहा है ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है. गिवन ऑन द लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड हमें दिखाई दे रहा है कि हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है. लेट्स नाउ द नेम्स ऑफ ऑर्गेन्स विच सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी. हमारी बॉडी में ब्लड जो है ब्लड को बॉडी में कौन से अंग घुमाते हैं उनके बारे में आज हमें समझना है. कौन सा अंग है ऑर्गेन्स है जो ब्लड को बॉडी में घुमाता है. ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन बॉडी. इसका मतलब होता है कि ब्लड सर्कुलेशन मीन्स रक्त का हमारी बॉडी में जो वहन होता है उसे हम ब्लड सर्कुलेशन कहेंगे. छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन किसे कहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द
बॉडी। नेक्स्ट है हार्ट, तो यहाँ पे हार्ट दिखाई दे रहा है यानी कि हृदय। हार्ट इज एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेन एसोसिएटेड विद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। क्या है? रक्त को वहन, रक्त के वहन के साथ जुड़ा हुआ होता है हमारा हार्ट, आपणु हृदय। रक्त लोहीनु परिभ्रमण केवी रीते थाय छे एनी साथे आ जोड़ायेलो मेन भाग छे, मेन ऑर्गेन्स छे। ह्यूमन हार्ट इज स्लाइटली लार्जर देन द फिस्ट। क्या कहता है कि ह्यूमन हार्ट, मनुष्यनु हृदय स्लाइटली लार्जर देन द फिस्ट, यानी कि मनुष्यनी मुठ्ठीथी सहज मोटू होय छे। हार्ट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स। वो हार्ट है वो कहाँ पे है? टू लंग्स के बीच में है। प्रोटेक्ट इनसाइड द रिब केज, और वो लंग्स है वो उसे प्रोटेक्ट कर रहे है। ब्लड विसेल्स, ब्लड विसेल्स का मतलब होता है कि रक्तवाहिनियों। ब्लड विसेल्स का मतलब होता है रक्तवाहिनियों। आर कनेक्टेड टू हार्ट, ये रक्तवाहिनियों एटले कि जे लोहीनु परिभ्रमण, लोहीने वहन करती जे नळियों छे एने आपणे ब्लड विसेल्स कहीशुं। ब्लड विसेल्स यानी कि रक्तवाहिनियों आर कनेक्टेड टू हार्ट, वो हार्ट के साथ जॉइंट है। दे आर मेनली टू टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है रक्तवाहिनियों? आर्टरी एंड वेन। आर्टरी का मतलब होता है कि धमनी, और वेन का मतलब होता है कि शीरा। तो हमें अब पिक्चर्स में, पिक्चर को देख के समझ आ गया है कि धमनी और जो शीरा है, आर्टरी एंड वेन है, वो ब्लड वाहिनी, रक्त वाहिनी है, जिसे वो है कनेक्टेड हार्ट के साथ। देखो तो यहाँ पे आर्टरी भी यहाँ से कनेक्ट है, और ये वेन यानी कि शीरा भी हार्ट से कनेक्ट है। और हार्ट्स कहाँ पे हैं? टू लंग्स के बीच में हो। और हार्ट ह्यूमन ह्यूमन हार्ट कैसा है? स्लाइटली मनुष्य की मुठ्ठी करता थोड़ूक ज मोटू छे। वर्ल्ड हार्ट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट संडे ऑफ सप्टेम्बर। सप्टेम्बर मंथ नो लास्ट संडे, छेल्ला रविवार सेलिब्रेशन करीए छीए। कोनो? वर्ल्ड हार्ट डे। वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस ने उजवणी आपणे सप्टेम्बर महिनाना छेल्ला रविवारे करीए छीए। पीछे के पेज में राइट टिक इन प्रॉपर बॉक्स, प्रॉपर बॉक्स में आपको टिक करना है। तो अब देखो तो नेम ऑफ ऑर्गेन्स, ब्लड विसेल्स यानी कि रक्तवाहिनीओनुं अहींया नाम आपेला छे। डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स, डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स का मतलब होता है कि पाचन अंग। और रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स का मतलब होता है कि श्वसन अंगों। एंड लास्ट में है ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गेन्स यानी कि रुधिराभिसरण तंत्र ना, रुधिराभिसरण अंगों, रक्तवाहिनियों में, रक्तवाहिनियों ना मेन अंगो। तो देखो हार्ट, स्टोमच, लंग्स इतले की फेफसा, आर्टरी यानी धमनी, माउथ यानी मो, वेन यानी की शीरा, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी की नानू आंतड़ू। चलिए डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स में कौन से ऑर्गेन्स आएंगे? जो हम खाना खाते वो कहाँ पे जाता है? सबसे पहले तो स्टोमच में, तो क्या हुआ वो पाचन अंग हुआ। फिर उसमें से खाना कहाँ पे, सॉरी हम जो खाना खाते वो मुंह से खाना खाते, तो पाचन अंग में सबसे पहले डाइजेस्टिव अंग में माउथ, स्टोमच, और पेट में से जाके वो कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो खाना हम खाते वो चबा चबा के खाते, वो खाना स्टोमच में जाता है। फिर स्टोमच में क्या होता है कि पाचन, खाने का पाचन होता है। और जो ज़्यादा हो कचरा जैसा खाना वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। फिर है श्वसन अंगों यानी कि रेस्पिरेटरी अंगों। कौन से हैं हम, कौन से हैं? लंग्स, वो है श्वसन अंगों।
जो हम श्वास लेते हैं नोज से, वो श्वास लंग्स यानी कि फेफड़ा द्वारा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के द्वारा हम ले सकते हैं। फिर है ब्लड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स, तो कौन से आएंगे, वो हृदय के साथ कनेक्टेड होता है। फिर आर्टरी के साथ कनेक्टेड होता है, और वेन यानी कि शिरा के साथ कनेक्टेड होता है। अब नीचे जो पिक्चर दिया हुआ है वो है हमारे हृदय का पिक्चर। कंप्लीट द डॉटेड फिगर ऑफ हार्ट गिवन बिलो एंड फिल इन द कलर्स। आपको यहाँ पे कलर नहीं करने पर ये जो डॉट्स दिए हुए हैं उसको फिलअप कर देना है। आगे के वीडियो में मैं वर्कबुक से स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।